हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए एक ब्लाउज़ डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि मैं ब्लाउज़ के बॉर्डर से बनाऊंगी और बहुत इजी तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी, जिससे आप लोग घर बैठे ही सीख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले अस्तर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ये एक बैक ओपन ब्लाउज़ होने वाली है, इसीलिए मैंने सामने की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। और यहाँ पर देखिए, मैं लेंथ ले लूँगी, तो लेंथ हमारा जो है 14 इंच है और ये एक 34 इंच का ब्लाउज़ होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर जो है 5.5 लिया है, क्योंकि इसका नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आर्म होल मैंने 6.5 इंच ले ली है, साथ ही इसका चेस्ट मैंने 10.5 लिया है और इसका वेस्ट 10 लिया है, यानी कि 1/2 इंच कम। इसके बाद हम एक गोल शेप दे देंगे आर्म होल में, देख सकते हैं। अब जो है मैं इसको कट कर लूँगी, इसके बाद ही मैं इसका नेक ड्रॉ करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा आप लोग अस्तर को धो लें उसके बाद ही कट करें, क्योंकि धो लेने के बाद जो है इसको फिटिंग्स कोई भी इशू नहीं होती है। इसके बाद देखिए, जो एक्स्ट्रा साइड में बहुत ज़्यादा था, मैं उसको काट करके जो है एकदम इक्वल कर ले रही हूँ। और जो भी मैंने मेजरमेंट लिया है वो 1/2 इंच को छोड़ने के बाद ही लिया है। इसके बाद देखिए, नेक की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच रखी है ऊपर, और नीचे मैं 2.5 रखूँगी, देखिए यहाँ पर। और नेक का लेंथ जो है 9 इंच है। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया है। इसके बाद मैं एक पान शेप बनाऊँगी, देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक बर्फ़ी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ी को हम लोग नहीं कट करेंगे, सिर्फ हम लोग जो है पान शेप को ही कट करेंगे। तो अब मैंने जो है इसके मेन फैब्रिक पर इसको सेट करके कट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से। अब जो है फ्रेंड, जो ब्लाउज़ में हमारा एक बॉर्डर है, मैं उसको कट करके अलग कर लूँगी। जितना भी हमें ज़रूरत है मैं उतना ही कट करूँगी, देखिए बस इतना सा ही मैंने कट किया है, ताकि हमारा नेक डिज़ाइन इसमें आ जाए। अब जो है मैं इसका नेक कट करूँगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक पेपर पेस्टिंग ले ली है, ये आपको आसानी से शॉप में अवेलेबल मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसको जो है नेक को इस तरह से बैठा कर अब हम लोग नेक और पेपर पेस्टिंग को एक साथ ही कट करेंगे। सिर्फ पान वाला हिस्सा ही मैं कट करूँगी, और वो वाला मैंने बर्फी आप लोग को दिखाने के लिए ड्रॉ किया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ चुका है, इसलिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। और साइड में मैं यहाँ से 2 इंच करके चौड़ा ले रही हूँ, देखिए सेम जैसा हमारा नेक है उसी शेप में। और नीचे हमारा बर्फी डिज़ाइन होने वाला है, जहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर देखिए, मैं इसको कट कर ले रही हूँ, देखिए कुछ इस तरह का जो है इसका शेप आएगा। और नीचे देखिए, ये अधूरा है क्योंकि ये आधा कटा हुआ है। फिर देखिए, मैंने एक बर्फी जो है यहाँ पर कट कर लिया है और यहाँ पर ठीक इसको ज्वाइन कर लूँगी, देखिए इसको आधे पर हम लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये पूरे शेप में आ जाएगी। अब देखिए, मैं इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिज़ाइन कट किया, देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमारा डिज़ाइन एकदम प्रॉपर आया है दोनों में ही। अगर आप लोग का पेपर पेस्टिंग छोटा ना हो तो ये बहुत ईजिली जो है कट हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स, लेस को मैंने एक बार जो है मिडिल से स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। अब जो है हम लोग इस डिज़ाइन को इसके ऊपर रख कर कट करेंगे। और कट करते समय फ्रेंड्स जो है आप लोग इसको पिन लगा ले, ताकि जो है हमारी डिज़ाइन इधर उधर ना हो जाए। और दोनों ही साइड 1/2 इंच करके एक्स्ट्रा कपड़ा रखें, देखिए जैसा हमारा डिज़ाइन है हमें उसके 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है साइड से। फिर यहाँ नीचे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम सीधा कपड़ा जो है कट किया है, क्योंकि नीचे का कपड़ा आप देख सकते हैं एकदम प्लेन है, यहाँ पर कोई वर्क नहीं है। तो मैं वहाँ पर भी कपड़ा ज्वाइन करूँगी, देखिए जो साइड से हम लोगों ने कपड़ा कट किया था मैं उसको वहाँ पर ज्वाइन करूँगी, ताकि जो है नीचे का डिज़ाइन हमारा प्लेन ना लगे, वो भी थोड़ा वर्क वाला दिखे। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी, देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। एक को तो मैंने कट कर लिया है, दूसरे को भी इस पर बैठा कर कट कर लूँगी। अगर आपका लेस बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, और अगर हुई तो आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं कपड़े को। इसके बाद देखिए, हमारे पेपर पेस्टिंग को जो है इस तरह से रख कर हमें इसको प्रेस कर लेना है, ताकि ये कपड़े पे सेट हो जाए, चिपक जाए। और देखिए, हमारा दोनों तरफ 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है अपना मेन फैब्रिक ले लिया है, और
और इसको जो है मैं अस्तर के ऊपर चारों तरफ से जो है स्टिच करके सेट कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ इसी तरह के कुछ नए चीज़ सीखने के लिए, घर बैठे ही कटिंग और स्टिचिंग भी सीखने के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको कट कर लिया है। अब जो है फ्रेंड्स, हम लोग इस डिज़ाइन वाले कपड़े को जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है, और जिस शेप में हमें उसी तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से, और नीचे जैसा हमारा डिज़ाइन है बर्फी, हमें उसी शेप में इसको कपड़े को जो है फोल्ड करना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। देखिए कुछ इस तरह से मैंने जो है इसको पूरी तरह से फोल्ड कर लिया है। एक साइड मैंने फोल्ड किया है, दूसरा साइड हमारा वैसा ही है नेक के तरफ से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको जो है उल्टे की तरफ जो है बैठा रही हूँ, देख सकते हैं, जो हमारा जो अस्तर की तरफ है उधर मैं इसको सेट कर रही हूँ। और एकदम जो हाफ इंच का कपड़ा हम लोगों ने छोड़ा है आगे की तरफ, बस वहीं हमें सिलाई लगाते जानी है। अब जो है हम इसके साइड साइड में छोटी छोटी कट लगा देंगे ताकि ये आसानी से जो है फोल्ड हो जाए। अब हमें इसको सामने की तरफ फोल्ड करना है, देखिए कुछ इस तरह से, और इसका कोना आप बहुत अच्छे से निकाल दीजिए। अगर आपके पास कोई पेन हो या नुकीली चीज़ हो तो आप इस तरह से उसके कोने को निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है पूरी तरह कपड़े के ऊपर सेट हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से, दूसरी भी साइड हमें स्टिच कर लेनी है। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स अपने प्लेन ब्लाउज़ को डिज़ाइनर लुक देने का। इसके बाद देखिए, अभी भी थोड़ा अधूरा है तो मैं यहाँ पर लेस ऐड करूँगी। मैंने दो लेस ली है और कंफ्यूज हूँ कौन सा लगाऊँ, तो मैंने जो ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन, मैंने उसको ही यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखिए पूरे नेक जैसा हमारा नेक का शेप है सेम वैसे ही हमें इसको स्टिच करते जाना है एकदम साइड साइड में, ताकि जो है जॉइंट एकदम पता ही ना चले, एकदम हमें बॉर्डर बॉर्डर में ही जो है इसको स्टिच करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और फ्रेंड, जहाँ पर भी आपको लगे कि आपका नेक थोड़ा राउंड है या फिर कहीं पर भी आपको टर्निंग लेनी हो तो आप बस एक छोटी सी प्लीट बना दे तो आपको जो है ये लेस कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्लीट बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें टर्न करना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं दूसरे साइड जो हमारा सामने का नेक है उसमें भी जो है लेस इस तरह से ऐड कर लूँगी। आप लोग चाहे तो एक तरफ लेस और एक तरफ पाइपिंग भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं दोनों तरफ ही लेस ऐड कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे। पूरे नेक में हमें इसी तरह से जो है इसको ऐड करते जाना है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बैक ओपन ब्लाउज होने वाली है, तो हमें यहाँ पर भी जो है हुक के लिए होल और हुक लगाने का जगह रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं एक पट्टी लूँगी जिससे जो है हुक का होल बनाऊँगी। तो देखिए मैंने इसको सीधा कट कर लिया है। अब जो इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा फोल्ड कर लूँगी और इसको डबल फोल्ड करके इसके साइड में एक सिलाई लगा लूँगी। और इसको जो देखिए कपड़े के अंदर इस तरह से देखिए सेट कर लेंगे, और जितना भी चौड़ा हमें ये पट्टी चाहिए हम उतना रख सकते हैं। यहाँ पर मैं हुक के लिए होल करूँगी और इसका दूसरे साइड में जो है हम लोग हुक लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब जो है फ्रेंड्स, मैं नीचे यहाँ पर कमर पट्टी ऐड करूँगी, देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो है हमें इसके मिडिल में एक प्लीट्स बनानी है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है और बीच में एक प्लीट्स बनानी है इस तरह से। मैं यहाँ पर डबल स्टिच कर लूँगी
अब जो इसके ऊपर हमें एक चाप सिलाई लगा लेनी है ताकि ये सेट हो जाए, और बाद में मैं इस पट्टी को जो है फोल्ड करके अंदर की तरफ हेम सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से हमारा एक पार्ट तो रेडी हो चुका है, मैं दूसरा भी इसी तरह से कर लिया है। देख सकते हैं दोनों ही पार्ट रेडी हो चुका है हमारा, और बैक भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, और मैंने देखिए यहाँ पर हुक भी लगा ली है और हुक के लिए होल भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल ठीक 5:30 बजे, तब तक के लिए।